Welcome to this math session, students. In previous math session, just we started your M3.4, which is generally based on solution of trigonometric equations. तीन main equations पढ़ने के बाद उसके main questions भी हमने किए थे in class exercise में, जहाँ पे हमें पूरा idea आ गया था कि हाँ इस तरीके से हम questions को solve करने वाले हैं for this या ऐसे type के question को किस तरीके से solve किया जाता है. Now कुछ और अच्छे-अच्छे questions देखते हैं level one में, थोड़े अपर लेवल के क्वेश्चंस एज वेल एज लेवल टू के क्वेश्चंस, लेवल थ्री के क्वेश्चंस आज के हमारा टारगेट होगा. जैसे यू कैन सी हियर इन क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ 4 cos² x = 1. चलो किस तरीके से फाइंड करेंगे एवरीवन? अगर 4 cos² x = 1 है तो पहले तो आपको कॉस फाइंड करना पड़ेगा, हाँ या ना? यहाँ पे कॉस की वैल्यू आप कैसे फाइंड कर सकते हैं? वेरी गुड अनका. चलो इसको आप दो तरीके से कर सकते हो स्टूडेंट, समझो. मान लो पहले cos square x को सब्जेक्ट बनाता हूँ, तो cos square x 1/4 होगा ना. कोई मुझे बताएगा अगर स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो क्या होगा? प्लस और माइनस 1/2. वेरी गुड. सो cos x विल बी इक्वल टू प्लस और माइनस हाफ, राइट? या फिर आप अगर वहां पे आपको डाउट है तो आप यहां से आगे बढ़ सकते हो. यू कैन राइट लाइक दिस, 4 cos² x - 1 = 0, जो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा 2 cos x - 1 2 cos x + 1 = 0. जहां पे मैं cos x को सब्जेक्ट बनाता हूँ, cos x आपका यहाँ पे हो जाएगा हाफ और यहाँ पे आपका cos x हो जाएगा माइनस हाफ. दोनों में से जो मेथड आपको इजी लगे, राइट? वेदर डायरेक्ट स्क्वायर उधर जाएगा प्लस और माइनस स्क्वायर रूट, और यू कैन यूज a² - b², राइट? आई रिक्वेस्ट मैक्सिमम स्टूडेंट्स टू टर्न ऑन देयर वीडियो एवरीवन. नाउ दोनों केस लेते हैं. फर्स्ट cos x इज इक्वल टू हाफ के लिए, फिर cos x इज इक्वल टू माइनस हाफ के लिए. चलो कैन यू गाइस टेल मी व्हाट वाज आवर फर्स्ट स्टेप? जब भी मान लो cos x is equal to something होता था, हम पहले cos alpha find करते थे. Please give me some response. जहाँ पे alpha आपका होता था 0 और pi के बीच में, right? So here. Yes sir. Where alpha belong to 0 to pi. चलो अब मुझे ये बताओ, cos की value half कब होती है? What will be the value of alpha for which cos will be equal to half? प्रशस्ति 60 डिग्री. वेरी गुड सुक्तिका, राइट? विच इज नथिंग बट पाई बाई 3. सिमिलरली हियर कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस हाफ. ओके, फॉर अनघा होल स्क्रीन इज ब्लैंक. वेट फॉर सम टाइम अनघा. आपको कुछ नहीं दिख रहा है? बाकी सबको दिख रहा है ना, मैं सब लिख रहा हूँ वो, राइट? यस, तो अनघा जस्ट वेट फॉर सम टाइम, आपको दिखेगा. ओके सर, वो यश की बहन का नाम है, मुझे ठीक से दिख रहा है. अच्छा, ओके. यस प्लीज रीनेम योर, आपका नाम चेंज कर दो. हां सर, रीनेम कर लिया. मैं वही बीच में वही सोच रहा था कि अनघा अनम्यूट कर रही, आवाज यश का आ रहा है. हाँ ठीक है. चलो cos x is equal to minus half is equal to cos alpha where alpha belong to 0 to pi. अब minus half के लिए आपके alpha की वैल्यू क्या होगी? ये मैंने आपको समझाया था कि अगर sin और tan है आप डायरेक्टली उसे माइनस कर दो, क्लॉकवाइज जाओ. एंड अगर वो कॉस है तो आपको पाई माइनस करना है, हाँ या ना? यस, वेरी गुड समर दीक्षित. व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट्स? अनन्या, चिन्मई, क्या होगा यहाँ पे? विवेक, क्रिश, नाजनेन, प्रशस्ति, प्रीति, रोशनी, रेशमा, शंकर. यस, 180 - 60 और पाई माइनस पाई बाई 3, राइट? सो दिस विल बी योर पाई माइनस पाई बाई 3 विच इज नथिंग बट 2π/3. Not minus 2π/3 students, समझो यहाँ पे. ये हम last class में भी कर चुके हैं, isn't it? यही तो था, minus half था, right? Pi by 3 से इधर pi minus pi by 3. Do you remember this everyone? Right? ये आसान है ना, इसमें doubt नहीं है ना? कि समझाऊँ, अगर doubt है तो just tell me, right? Sir, so one more now, time can explain. Why not? See. For cos, your alpha lying between 0 to pi, right? So if you remember your unit circle, this is your 0 and this is your pi, right? Now you remember all STC concept. So cos will be positive in first quadrant and cos will be negative in second quadrant. So you are getting value of cos as half. That means
alpha is lying in first quadrant. If we are getting value of cos as minus half, that means alpha is lying in second quadrant because second quadrant में आपका cos negative होता है. Am I correct? हाँ या ना? Yes. अब यहाँ पे negative value आपकी minus half है. For that just you need to think कि उसकी positive value half कौन से angle पे आती है. Positive value half pi by 3 angle पे आती है. So this is pi by 3. So positive value तो यहाँ पे आपका right angle triangle से this angle will be pi by 3 only. So alpha will be equal to pi minus pi by 3, which is 2 pi by 3. ये मैंने आपको फॉर्मूला बुक में भी यहाँ पे दिखाया था कि इफ योर एंगल अल्फा इज लाइंग इन सेकंड क्वाड्रेंट यू नीड टू टेक पाई माइनस. अगर मान लो यहाँ पे अल्फा और थीटा को मैं अलग अलग नाम दे दूँ, राइट, जो हमें फाइंड करना है, सपोज आप उसे अल्फा नाम दे रहे हो, लेट मी गिव दिस एंगल एज थीटा. अगर आपका एंगल थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, राइट, अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो अल्फा विल बी इक्वल टू थीटा ओनली. अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो अल्फा विल बी इक्वल टू पाई माइनस थीटा. थर्ड क्वाड्रेंट में अल्फा विल बी इक्वल टू पाई प्लस थीटा. एंड फोर्थ में 2 पाई माइनस थीटा. अब ये आपको थीटा कहां से मिलेगा, फ्रॉम वेयर यू कैन गेट दिस वैल्यू ऑफ थीटा? थीटा यू कैन गेट फ्रॉम वैल्यू टेबल, राइट, फ्रॉम वैल्यू टेबल. वैल्यू टेबल जो हमने पॉजिटिव के लिए याद रखा है वही वाला, राइट, जो पूरा हाफ की वैल्यू थीटा के लिए, जैसे ये वाले क्वेश्चन में थीटा आपका पाई बाय 3 हो रहा है एंड सेकंड क्वाड्रेंट में तो अल्फा आपका हो रहा है पाई माइनस पाई बाय 3. क्या ये चीज क्लियर हुई? यस सर. अब हाँ, अब जब साइन और टेन में हम कर रहे हैं तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, बट साइन एंड टेन में हम क्या कर रहे हैं, उसे 2 पाई माइनस नहीं ले रहे, उसे 0 माइनस थीटा ले रहे हैं डायरेक्टली. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो वो भी सेम है, माइनस थीटा एंड 2 पाई माइनस थीटा बोथ आर सेम ओनली, राइट. माइनस थीटा जब आप यहाँ से डायरेक्टली क्लॉकवाइज ट्रैवल कर रहे हो, दैट इज माइनस थीटा. जब आप पूरा घूम के यहाँ तक आ रहे हो, देन दिस इज 2 पाई माइनस थीटा. सो माइनस थीटा एंड 2 पाई माइनस थीटा बोथ आर सेम. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस सर. ओके, शैल वी प्रोसीड, आगे बढ़े. तो अब हमें जनरल सॉल्यूशन लिखना है. सिंस यू आर नोइंग द वैल्यू ऑफ अल्फा, जैन क्लियर है? जैन लेट ज्वाइन किया आपने, थोड़ा जल्दी आने की कोशिश करो प्लीज. Now, who will tell me general solution for cos? General solution क्या हो जाएगा cos के लिए? Yes, Vivek. What will be general solution? Tell me. Raise your hand. Abhilash, can you tell me about general solution? Ananya? Yes, sir. हाँ, general solution क्या होगा? The 2n pi plus or minus pi by 3. प्लस और माइनस अल्फा फर्स्ट, राइट, सेम हियर, एक्स इज इक्वल टू 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा, वेयर n इज नथिंग बट अवर इंटीजर, करेक्ट. सो यस, वेरी गुड अभिलाष, सुप्तिका. सो दिस इज 2n पाई प्लस और माइनस पाई बाय 3, सेम हियर, एक्स इज इक्वल टू 2n पाई प्लस और माइनस 2 पाई बाय 3, n बिलोंग्स टू i. तो यहां पे टोटल आपको ये दो जनरल सॉल्यूशन मिलेंगे दोनों के लिए. एम आई करेक्ट? Please give me some response whether 2n pi plus or minus pi by 3 or 2n pi plus or minus 2 pi by 3. वहाँ पे आप थोड़ा और simplify करके भी लिख सकते हो, but I think इतना भी चलेगा. No need to simplify further. इतना ही ना. या अगर थोड़ा अगर आप इसे ध्यान से सोचो, मैं आपको समझाता हूँ. क्योंकि since you are preparing for JE, जरूरी नहीं कि आपका यहाँ पे जो आंसर आएगा वही आपको ऑप्शंस में दिया गया हो. ठीक है, एक चीज समझो, इन दोनों में से क्या मैं 2 कॉमन निकाल सकता हूँ? सो कैन आई से दिस x विल बी 2 टाइम्स n pi प्लस और माइनस pi बाय 3? हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस. राइट, यस सर. यहाँ पे क्या मैं कुछ कर सकता हूँ? दिस विल बी योर x इज इक्वल टू 2n pi प्लस और माइनस पाई बाय 3 ओनली. वेट, नहीं तो लेट मी ट्राई अनदर अप्रोच. पाई कॉमन ले सकते हैं, एग्री, बट हम मैं कॉमन इन दोनों को मर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ. 2n पाई प्लस और माइनस 2 पाई बाय 3 को अगर मान लो मैं पाई माइनस पाई बाय 3 लिख रहा हूँ, वेयर n बिलोंग्स टू i,
सो इट इज इक्वल टू टू एन पाई प्लस और माइनस पाई, प्लस और माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, माइनस और प्लस पाई बाई थ्री। अब ये टू एन पाई प्लस और माइनस पाई में से अगर मैं पाई को कॉमन निकालता हूँ, टू एन प्लस और माइनस वन पाई माइनस और प्लस पाई बाई थ्री एन बिलोंग्स टू पाई। क्या ये चीज पता चल रही है जो मैं कर रहा हूँ एवरीवन? हाँ या ना? ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं होगा। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, आपको दो सॉल्यूशन मिल रहे हैं। वन सॉल्यूशन इज इवन मल्टीपल ऑफ पाई प्लस और माइनस पाई बाई थ्री, अनदर सॉल्यूशन इज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई प्लस और माइनस पाई बाई थ्री। एम आई करेक्ट? जस्ट चेक, ये जो फर्स्ट सॉल्यूशन है वो आपको दे रहा है टू एन पाई से, वेदर आप प्लस पाई बाई थ्री जाओ या माइनस पाई बाई थ्री जाओ, इन दोनों पॉइंट पे आपको ये वाला क्वेश्चन मिलेगा, मतलब ये वाला सॉल्यूशन मिलेगा जहां पे cos x की वैल्यू हाफ हो जाएगी। हाँ या ना? राइट, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वार्टर। सेकंडली, अब ये वाला जो आपको आंसर दे रहा है, ये वाला, ये आपको दे रहा है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई विच इज टू एन प्लस और माइनस वन इंटू पाई। उसके अगर आप माइनस पाई बाई थ्री कर रहे हो या प्लस पाई बाई थ्री कर रहे हो तो वहां पे आपको cos की वैल्यू नेगेटिव मिलेगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? हाँ या ना? Yes, अगर आप प्लस पाई माइनस पाई बाई थ्री कर रहे हो, प्लस पाई बाई थ्री कर रहे हो, अगर इन दोनों को कंबाइनली मुझे बोलना हो तो कंबाइनली मैं ऐसा बोल सकता हूँ। आपको ये पता है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस को हम इवन मल्टीपल ऑफ पाई बोलते हैं, नेगेटिव एक्स एक्सिस को ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बोलते हैं। जो पूरी एक्स एक्सिस है दैट इज योर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई। सो कंबाइनली आई कैन से दैट एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस और माइनस पाई बाई थ्री, एन बिलोंग्स टू आई। तो आपके पाई के कोई भी मल्टीपल हो, इवन हो या ऑड हो, वहां से प्लस पाई बाई थ्री जाओ या माइनस पाई बाई थ्री जाओ, प्लस पाई बाई थ्री जाओ या माइनस पाई बाई थ्री जाओ, आपका आंसर मिलेगा। एम आई करेक्ट? जस्ट चेक एवरीवन, हाँ या ना? क्या ये चीज क्लियर है? यस सर। एवरीवन, सो क्योंकि सिंस बोर्ड्स में ये लिखोगे और ये लिखोगे चलेगा, ये दोनों यहीं पे खत्म करके लिख दोगे चलेगा, बट सिंस फॉर जी डेफिनेटली दे विल गिव यू लाइक दिस आंसर। तो इसे नोट डाउन कर दो पहले क्विकली, फिर बाकी के एक एक क्वेश्चन दिखाता हूँ। चलो लेट अस सी। हाँ, नाउ हियर क्रिश इज आस्किंग वन क्वेश्चन कि सर अगर हम प्लस और माइनस लिखते हैं या माइनस और प्लस लिखते हैं उसमें क्या फर्क है। सी, पर्टिकुलरली अगर आप प्लस और माइनस लिखो या माइनस और प्लस लिखो उसमें कोई फर्क नहीं, क्योंकि दोनों चीजें सेम है। राइट, इफ आई एम टेलिंग ए और बी या बी और ए, दोनों सेम है। सो वाई नीड टू राइट माइनस और प्लस एंड प्लस और माइनस सेपरेटली? जब आप उन दोनों को अलग अलग कंसिडर कर रहे हो तो कोई फर्क नहीं है। अलग अलग मीन्स इफ दिस इज डिफरेंट, दिस इज रिप्रेजेंटिंग वेदर यू आर गोइंग इन प्लस और माइनस, दैट इज फाइन। इफ दिस इज डिफरेंट वेदर यू आर गोइंग माइनस और प्लस, दैट इज फाइन। बट व्हेन यू आर कंबाइनिंग बोथ ऑफ देम, तो जब आप टू एन प्लस वन पाई कर रहे हो तो प्लस के साथ यहाँ पे आएगा माइनस, लाइक दैट दे आर टेलिंग टू एन प्लस वन पाई। टू एन प्लस वन पाई मतलब यहाँ से आप ऑड पे गए, फिर वहां से आपको जाना है माइनस। 2n माइनस वन पाई, यहां से आप ऑड पे गए, फिर जाना है प्लस, दैट्स इट। मतलब प्लस के साथ यहाँ पे माइनस का कॉम्बिनेशन है और माइनस के साथ प्लस का कॉम्बिनेशन है, और कुछ नहीं। दोनों पॉइंट आपके एक ही हो रहे हैं, 2n प्लस वन पाई और 2n माइनस वन पाई दोनों एक ही है। हाँ ना? बिकॉज दिस इज 2n पाई, दिस इज 2n प्लस वन पाई, दिस इज 2n माइनस वन पाई। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? हाँ या ना? राइट, सो हो सकता है आगे जब हम अलग अलग क्वेश्चन देखेंगे अलग अलग चैप्टर्स में, तब ये प्लस माइनस माइनस प्लस आपको एक नई मैथ्स दुनिया का दर्शन कराएं। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos 3x इज इक्वल टू cos 2x। इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड हम कैसे कर सकते हैं, टेल मी। आपके दिमाग में जो भी मेथड आ रही है जस्ट टेल। अभी तक हम ऐसे क्वेश्चंस में जनरल सॉल्यूशन फाइंड कर रहे थे जहां पे हमारे पास था cos x इज इक्वल टू cos अल्फा, एम आई करेक्ट? cos x इज इक्वल टू cos अल्फा था, फिर वहां से हम जनरल सॉल्यूशन फाइंड करते थे। यहाँ पे अल्फा कहीं नहीं है, दोनों तरफ x ही है। एनीथिंग दैट आपके दिमाग में जो भी चल रहा हो जस्ट प्लीज स्पीक, बोलो। cos 2x को लेफ्ट साइड, ओके समर्थ। फिर ट्रांसपोज हम दो तरीके से कर सकते हैं, प्रोसेस इज ऑल्सो टेलिंग ट्रांसपोज।
मैं यहाँ पे इसको ले जाऊंगा तो माइनस भी हो सकता है, और इसको यहाँ पे ले जाऊंगा तो डिवाइड भी कर सकता हूँ। माइनस ले जाऊंगा तो जीरो बचेगा, डिवाइड कर दूंगा तो वन बचेगा। ठीक है, सो कॉस 3x माइनस कॉस 2x इक्वल टू जीरो, दिस कैन बी योर वन ऑफ द पॉसिबिलिटी। कॉस 3x बाई कॉस 2x इज इक्वल टू 1, दिस कैन बी योर वन ऑफ द पॉसिबिलिटी। यस and okay, Vivek and Snigdha are telling to use the formula of cos 3x and cos 2x. Let us use them. This can be third possibility. Cos 3x, 4 cos cube theta minus 3 cos theta. Very good Vivek. But cos 2x ki to mere paas bahut sari formula hai. Particularly agar sirf main sin aur cos ke term mein bolu, wahi pe 3 formula hai. Usme se kaun si formula use karunga? Cos 2x ke liye main kaun si formula use kar sakta hu? Terence, Kaushik, Krish, yes Manogna, can you tell me that formula, Manogna? Yes. Yes, sir. Tell me. Manogna, are you speaking? Yes, sir. Yes, very good. Sir, cos 2a is equal to 2 cos square x minus 1। ठीक है, अब जब आप यहाँ पे देखोगे स्टूडेंट्स, तो आपके पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल आ गई है, जो क्यूबिक पॉलिनोमियल x में नहीं बट cos में है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? माइनस 2 cos square x माइनस 3 cos x प्लस माइनस 1 इधर आएगा, प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल के आपको रूट्स फाइंड करने पड़ेंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल के रूट्स हम कैसे फाइंड करते थे आपको याद है? इंटीग्रल रूट थियरम, रेशनल रूट थियरम, राइट? फिर वहां से वो ट्रायल एंड एरर आप अप्लाई करते थे, फिर एक रूट मिला, फिर उसको डिवाइड करके क्वाड्रेटिक, लंबा जाएगा। हाँ या ना एवरीवन? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? डेफिनेटली ये कर सकते हैं, बट यहाँ से थोड़ा आपका क्वेश्चन ज्यादा लेंथी हो जाएगा, राइट? और वेरी लेंथी आई कैन से एंड टाइम कंज्यूमिंग। कॉस 3x बाई कॉस 2x इज इक्वल टू 1, क्या यहाँ से कुछ कर सकते हैं? कॉस बाई कॉस के हमारे पास ना ही कोई फॉर्मूला है, राइट? So, हम यहाँ पे नहीं कर सकते। यस, समर्थ इज टेलिंग 1 है रूट, सो 4 माइनस 2 माइनस 3 प्लस 1, 4 प्लस 1 5। हाँ, एक रूट 1 है। फिर यहाँ पे आप एक शॉर्टकट भी अप्लाई कर सकते हो, दैट शॉर्टकट इज कॉल्ड टीवी मेथड। क्या टीवी मेथड मैंने आपको सिखाई थी 9th 10th में 11th में? मैं आपको सिखाऊंगा टीवी मेथड लिमिट्स में, बट अभी के लिए मतलब यहाँ से आपके पास होता है, आप इसको डिवाइड करोगे। cos x is equal to 1 आपका एक रूट है, सो cos क्यूब x, cos स्क्वायर x, cos x एंड कॉन्स्टेंट टर्म, इन सब के कोएफिशिएंट है आपके पास 4 माइनस 2 माइनस 3 1। नेक्स्ट यहाँ पे जीरो रखूंगा, 4 प्लस 0 4, 4 वन जा 4, 2 वन जा 2, माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1, माइनस 1 वन जा माइनस 1 एंड अल्टीमेटली आपको यहाँ पे जीरो मिलना चाहिए। दिस इज नथिंग बट रिमाइंडर। और ये हम जो कर रहे हैं, दिस इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल डिवीजन। सो दिस इज 4 cos square x plus 2 cos x minus 1, सो दिस फैक्टर्स विल बी cos x minus 1, 4 cos square x plus 2 cos x minus 1। 4 वन जा 4 का ऐसे फैक्टर निकालो कि माइनस 4 करके या माइनस करके आपके पास आए 2। बोलो क्या 4 का ऐसे फैक्टर पॉसिबल है जिनका सब्ट्रैक्शन करके आपको 2 आंसर है? 4 माइनस 2, बट 4 इंटू 2 आपका 2, 4 नहीं होता है ना। 4 के ऐसे फैक्टर निकालो कि जिनका सब्ट्रैक्शन 2। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? 4 के फैक्टर्स आपके पास होंगे वेदर 4 वन जा 4 और 2 टू जा 4, राइट? यस, तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा एंड यहाँ पे हम अटक जाएंगे। यहाँ पे डेफिनेटली यू नीड टू टेक हेल्प ऑफ डेल्टा। बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी, 2 स्क्वायर 4 माइनस 4 ए, 4 सी माइनस 1, दिस इज 20। सो रूट डेल्टा विल बी इक्वल टू 2 रूट 5, राइट? 4 5 इज 20। डेफिनेटली दिस इज वेरी लॉन्ग एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। कॉस एक्स इज माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट डेल्टा अपॉन 2a। फिर यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा इसमें से कौन सा वैलिड है या कौन सा नहीं, तो ये एक मेथड आपको रुला देगी इन शॉर्ट, राइट? एंड कई सारे स्टूडेंट्स तो अभी कुछ देख ही नहीं रहे होंगे उसमें, सर ये सब क्या एलियन और सब चल रहा है? डोंट वरी, ये टीवी मेथड मैं आपको सिखाऊंगा, ओके? एंड फॉर फ्यू स्टूडेंट्स, सर योर वॉइस इज ब्रेकिंग, डोंट वरी, अगर ब्रेक नहीं भी होती तो भी ये शायद पता नहीं चलता कुछ।
सो इज इट ब्रेकिंग फॉर एवरीवन? ठीक है, चलो ये चीज क्लियर है राइट? ये टीवी मेथड में आपको समझाऊंगा चैप्टर नंबर 11 में, एम 11 में हम इसे डिटेल में समझेंगे राइट, दैट इज लिमिट्स, एंड उसका बहुत यूज होगा वहां पे, तो अभी इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, एंड दिस इज वेरी कंज्यूमिंग प्रोसेस। अब cos 3x अपॉन cos 2x में हम आगे कुछ नहीं कर सकते, ज्यादा से ज्यादा आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो विवेक जो आप बोल रहे हो, बट ये फॉर्मूला सेम अप्लाई करने के बाद कोई फायदा नहीं होगा राइट, उससे कुछ आपका सिंप्लीफिकेशन, कुछ कटिंग, कुछ कैंसलेशन, कुछ नहीं हो रहा है राइट। सो बेटर यूज दिस। अब क्या यहाँ पे मैं कोई फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ? सी समझना स्टूडेंट्स, एक चीज मेरी ध्यान से समझो, मैथ्स में हर बार हर साल नॉट ओनली इन 11th एज वेल एज इन 12th स्टूडेंट्स एक ही चीज बोलते हैं कि सर आप क्लास में कराते हो तब क्वेश्चन बन जाते हैं बट एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनते हैं। आप में से अभी एक मुझे कंप्लेंट किसी ने नहीं की, आप में से मुझे ये चीज किसी ने नहीं बोली है, क्योंकि एग्जाम ही बहुत कम लोगों ने दिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? सी मैं चाहता तो ये क्वेश्चन मैं डायरेक्टली मैं आपको ऐसा बोल देता कि आप ये cos 3x इज इक्वल टू cos 2x जो आपको दिया गया है, जस्ट आप cos 2x को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाओ, cos 3x माइनस cos 2x आपका हो जाएगा, एंड आप इस तरीके से अप्लाई कर दो। बट वाई ओनली दिस मेथड, वाई नॉट अदर मेथड? ये मैथ्स है, मैथ्स में आपको मगअप थोड़ी करना है कि ये क्वेश्चन में ये मेथड करनी है। मगअप करने जाओगे तो सोचो देयर आर थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ क्वेश्चंस, एंड उसमें से सारे मगअप कर लो, शायद आपकी इतनी कैपेसिटी है कि आप इतने सारे क्वेश्चंस मगअप कर भी लोगे इतने सारे फॉर्मूला करने के बाद, बट जेई में वो थाउजेंड्स लैक्स में से एक भी नहीं आने वाला, वो टाइप का आएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? हाय आना, प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स राइट। सो यू शुड बी नोइंग द प्रोसीजर वाई वी आर यूजिंग दिस प्रोसीजर इन दिस क्वेश्चन ओनली। अगेन जब भी आपके पास cos 3x इक्वल टू cos 2x वाले क्वेश्चन होंगे, सिंस अभी आपने देख लिया है, तो द थिंग इज व्हाट आई मीन टू से, जब भी आप मैथ्स के क्वेश्चंस करो तो घर में ट्राई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो मैंने आपने अभी मैंने किया ये ट्रायल आपकी लिखी हुई होनी चाहिए। तो इससे फायदा ये होगा कि आपको ये पता है कि ये वाले क्वेश्चन में अगर मैं ये मेथड से जाऊंगा देन इट इज गोइंग टू बी वेरी लेंथी, यू नीड टू क्राई हियर एंड एवरीथिंग। आप अपने तरीके से उसको सुंदर बना सकते हो अलग अलग ऐसे यूज करके, उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, बट जल्दी जल्दी ताकि आपको एग्जाम में याद आ जाएगा कि अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन है, हाँ अगर मैंने ये सोचा और ऐसा किया तो डेफिनेटली इधर आगे जाके मैं रोने वाला हूँ राइट। सेम यहाँ पे ऐसा, सी व्हाट इज ह्यूमन साइकोलॉजी, अगर आप ये क्वेश्चन को देख के अभी आपके दिमाग में ये आ रहा है कि मैं cos 3x को एक्सपांड करता हूँ, cos 3x बाय cos 2x करता हूँ, नेक्स्ट टाइम जब आप देखोगे एग्जाम में यही आपके दिमाग में आएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? हाँ या ना? एंड उसको अगर आपने नहीं सोचा, उसको सोचे बिना जस्ट आपने डायरेक्ट देख लिया कि अरे सर ने तो ये मेथड से कराया है, अरे वो वाली मेथड भी तो मेरे दिमाग में, उससे हो जाएगा। यहाँ पे आप ट्राई नहीं कर रहे हो, यहाँ पे आप ट्राई नहीं कर रहे हो, वो ट्राई करोगे आप एग्जाम में, और एग्जाम में इतना आपका पूरा टाइम वेस्ट होगा, एंड जितना आपका यहाँ टाइम वेस्ट होगा, मोरल डाउन, कॉन्फिडेंस डाउन, बाकी सारे क्वेश्चंस भी डाउन। एम आई करेक्ट? हाँ या ना? सो जितनी ट्राई घर पे करोगे, जितने अलग अलग वेज घर पे ढूंढोगे, उतना स्कूल में आपका ट्रायल कम होगा, एग्जाम में आपका ट्रायल कम होगा। एग्जाम में आपको डायरेक्टली देख के पता चल जाएगा ये क्वेश्चन को मैंने इस तरीके से ट्राई किया था, आई वॉज स्टक, इस तरीके भी है और ये तरीका भी है, ये नया मेथड है, ये सर ने कराया था, बेटर गो विद दिस मेथड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? हाँ या ना? एंड आपकी मेथड से, आपकी मेथड से वो बहुत सारे इजी आंसर्स भी आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है राइट। सो प्लीज लेट अस प्रोसीड हियर। पता चल रहा है स्टूडेंट्स जो मैं आपको बोल रहा हूँ राइट? जैसे लेट मी शो यू दिस क्वेश्चन, ये आपके सीनियर्स का है राइट। आपके सीनियर्स के जो मैं एडवांस क्लास लेता हूँ रात को, जो हमारे 10 से 11:30 चलते हैं राइट, वो एडवांस क्लास के एक झलक में देता हूँ जिसमें सेंगेज के क्वेश्चंस हैं। अब ये एक क्वेश्चन है, इतना देखने में एकदम छोटा सा आपको क्वेश्चन लग रहा है राइट। नाउ अब ये जो आपके क्वेश्चन है, इसमें कल करते करते सबका घूमर घूमर हो गया। डू यू नो व्हाट इज घूमर? हाँ, दीपिका पादुकोण का वो सॉन्ग आपने देखा होगा, क्या मूवी का नाम था, पानी पताई गैस राइट। हाँ, तो पूरा वो घूमर घूमर कि इसमें फंक्शन ही क्वेश्चन के अंदर दिया नहीं है। हाँ, पद्मावत, पद्मावत, आप मूवीज बहुत देखते हो आप लोग। चलो अब मुझे बताओ, यहाँ पे फंक्शन क्वेश्चन में दिया है? नहीं, फंक्शन यहाँ पे आपको खुद एज्यूम करना है। अब वो क्वेश्चन जब मैं मेरी तरफ से कर रहा था, मैंने मेरी ट्रायल उनको दिखाई कि मेरी ट्रायल पे अगर मैं फंक्शन को ये एज्यूम कर रहा हूँ तो ऐसा हुआ,
ट्रायल थ्री मैंने दिखाया, फाइनली ट्रायल थ्री, ये ट्रायल में हमारा काम हो गया, राइट। फिर उन्होंने बोला सर मेथड ऑफ सेंगेज, ये अब मेरी ट्रायल से जो मैंने किया वो इतने में हो गया, इतने छोटे में हो गया, क्योंकि मैंने खुद इसके ऊपर आधा घंटा दिया था अलग अलग ट्रायल में। अगर मैं खुद ट्रायल नहीं देता और ये सेंगेज की मेथड करता, यू कैन से दिस इज द मेथड ऑफ सेंगेज, वो क्वेश्चन कहाँ पे खत्म हो रहा है। एंड भले वो इतना लंबा हो रहा है, बट सेंगेज मेथड में जो उन्होंने फंक्शन एज्यूम किया है वो देखो, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। और वो हर एक क्वेश्चन में आपका ऐसे अलग अलग है, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं बस आपको बता रहा हूं कि व्हाट इज मैथ्स, व्हाट इज द मैथ्स ऑफ जेई मेंस एंड जेई एडवांस। दिस इज द मैथ्स ऑफ जेई एडवांस जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूं, दिस इज नॉट फॉर ऑल। ये आप में से जेई मेंस में जो एक लेवल ऊपर जाएंगे वो लोग जेई एडवांस की तैयारी करेंगे, बट द थिंग इज बेसिक प्रोसीजर इज सेम। आपको अलग अलग चीजें सोचनी है, आपको अलग अलग चीजें सोचनी है, जितने ट्रायल आप घर से कर सको उतने ट्रायल आपको घर से करने हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। एंड द ब्यूटी ऑफ मैथ्स इज जब आप उसको रिविजन करोगे ना, मान लो कि चैप्टर टू आपने ऑलरेडी पढ़ दिया, चैप्टर थ्री पढ़ने के बाद जब आप वापस चैप्टर टू करोगे ना, आपको दिमाग में और नई मैथड्स आएंगी, ये क्वेश्चन में और नई मैथड्स आएंगी, वो और आप ट्राई करना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, राइट? सो जस्ट कीप योर माइंड ओपन एंड ट्राइंग ऑल दिस थिंग्स, ओके? नहीं स्नेक दो, ऐसा जरूरी नहीं कि मतलब जिस क्वेश्चन में, अगर आप व्हाट आई मीन टू से कि अपना दिमाग खुला रखो, एंड अपना दिमाग खुला रख के जितना आप कवर कर सको, जितनी चीजें आप कर सको, जितने आपके माइंड में अलग अगर अलग अलग मेथड आ रही है तो उसको स्पेस दो, उसके लिए ट्राई करो। अगर अलग अलग मेथड आ रही है तो उसको स्टॉप मत करो कि अरे मेरे दिमाग में ये मेथड आ रही है तो उसको स्टॉप मत करो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? ये मैंने कहां से लिखा, ये किसने बोला? आप में से ही सबने बोला ना कि सर इसको एक्सपैंड करते हैं, इसको एक्सपैंड करते हैं, तो आपके दिमाग में जो आ रहा है वो बोलो, उसके लिए दिमाग ओपन रखोगे तो आएगा, नहीं तो ठीक है। चलो अब ये cos 3x minus cos 2x equal to 0, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, टेल मी, राइट? यहाँ पे हमें आई गेस ध्रुव बोल रहा था वी कैन अप्लाई cos 3x is equal to cos 2x, मतलब 3x को 2x plus 1 आप बोल रहे हो। सुक्तिका इज टेलिंग पाई बाई टू, बट सुक्तिका पाई बाई टू कैसे? पाई बाई टू मीन्स आप cos को sin में कन्वर्ट करने के लिए बोल रहे हो, ठीक है। अल्फा विल बी पाई बाई टू, अच्छा यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आप लिख रहे हो अल्फा विल बी पाई बाई टू, बट वो सुक्ति का हमारे पास से लेफ्ट हैंड साइड सिर्फ एक ही कॉस होना चाहिए। अगर एक ही कॉस है तो राइट हैंड साइड आप वो ले सकते हो, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड दो कॉस है, कॉस माइनस कॉस है, राइट? बट विवेक अभी हमने देख लिया उसको टू कॉस स्क्वायर माइनस वन लिखने का कोई फायदा नहीं है, राइट? टू कॉस स्क्वायर माइनस वन करोगे फिर क्या, वहां पे तो कॉस थ्री एक्स एज इट इज है। यहाँ पे अब क्रिश और ध्रुव का कुछ थोड़ा थोड़ा सिमिलर कहना है। सो ध्रुव इज क्रिश इज टेलिंग सर कॉस थ्री एक्स को अगर हम कॉस एक्स प्लस एक्स लिख देते हैं, या फिर cos 2x को cos x plus x लिख देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो यहाँ cos x plus x में ज्यादा से ज्यादा वही होगा, आप फॉर्मुला अप्लाई करोगे cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, विच इज नथिंग बट योर फॉर्मुला ऑफ cos 2 थीटा ओनली। यहाँ पे आप x plus x करोगे, राइट? तो अब ये आपका हो जाएगा x plus x की कोई फॉर्मूला नहीं है, ज्यादा से ज्यादा आप उसे x plus 2x कर सकते हो। फिर x plus 2x को एक्सपैंड करने के बाद भी आपको अल्टीमेटली वही मिलेगा जो cos 3x की फॉर्मूला है, क्योंकि cos 3x की फॉर्मूला x plus 2x से ही आई है। डू यू रिमेंबर दैट एवरीवन? हाँ या ना? बीच में साइन आएगा, साइन को आपको वापस cos में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि अल्टीमेटली रखना तो एक में ही है, राइट? स्निग्ध सेलिंग कांट वी यूज डिफरेंशिएशन एंड कन्वर्ट इन साइन? नो, हम डिफरेंशिएशन ऐसे ही नहीं कर सकते ना। जैसे डिफरेंशिएशन इज वन ऑपरेटर, अगर मैं दोनों 5 ऐड कर रहा हूं तो दोनों तरफ 5 ऐड करना चाहिए, राइट? अगर डिफरेंशिएशन कर रहा हूं तो दोनों तरफ करना चाहिए। अगर cos 3x is equal to cos 2x है तो दोनों तरफ आप डिफरेंशिएशन करोगे, cos 3x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 3x into 3, cos 2x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 2x into 2। फिर अब बोलो कौन बोल रहा था सर, आई गेस विवेक। हाँ सर, सर सिर्फ cos 2x को कन्वर्ट कर सकते हैं ना सर, वही तो बोल रहा हूँ, फिर क्या होगा, स्प्लिटिंग कर सकते हैं ना मेरे भाई, मिडल टर्म रुको तो सही मेरे भाई, मिडल टर्म स्प्लिटिंग के लिए अब मैं इधर आपको समझाता हूँ। देखो जैसे आपने यहाँ पे रखा cos 3x माइनस 2 cos 2x माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल टू 0, एम आई करेक्ट? हाँ या ना? हाँ, यही बोल रहे हो ना? अब मिडल टर्म स्प्लिटिंग के लिए आप बोल रहे हो ये हमारी फर्स्ट टर्म हो जाएगी, अगर मैं इसे रीअरेंज करूँ या सबको उस तरफ ले जाऊं तो 2 cos 2x माइनस cos 3x, राइट, माइनस 1 इक्वल टू 0, करेक्ट? हाँ या ना? अब आप बोल रहे हो मिडल टर्म स्प्लिट करने के लिए, हाँ या ना? हाँ सर। अब मेरी बात सुनो, मिडल टर्म स्प्लिट तब होता है जब वो आपका x में क्वाड्रेटिक हो, x में क्वाड्रेटिक नहीं हो तो cos x में क्वाड्रेटिक हो, ये वाला आपका cos x होल स्क्वायर है,
बट ये वाला तो cos 3x है ना, यहाँ पे cos 3x की जगह अगर सिर्फ cos x होता तब हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म में जा सकते थे. ओके पता चला राइट. यस ध्रुव इज सेइंग सर वी विल सिंपलीफाई 3x यूजिंग 2x + x एंड ट्रांसपोज 2x इन द डिनोमिनेटर. चलो लेट अस चेक. तो cos 3x आपका मान लो इक्वल टू cos 2x जो हमें दिया गया है. cos 3x इज इक्वल टू cos 2x. cos 3x को अगर मैं लिखता हूँ cos 2x + x, cos 2x into cos x minus sin 2x into sin x is equal to cos 2x. अब एक मिनट cos 2x को denominator, cos 2x से डिवाइड कर दो, cos 2x को denominator में ट्रांसपोज करेंगे means अब आगे क्या करें ध्रुव, means as per your method जो आप सोच रहे थे, divide by cos 2x. ठीक है चलो, अगर मैं cos 2x से डिवाइड करता हूँ तो ये हो जाएगा cos x माइनस sin 2x by cos 2x tan 2x into sin x is equal to 0. नेक्स्ट फिर अटक जाएंगे वापस. आया ना right. And Suptika is telling, can we do like this cos x plus 2x minus cos 2x cos ax cos 2x minus cos 2x. Now cos 2x will be cut and cos ax 0 and alpha will be pi by 2. Suptika, can you elaborate? मतलब आपने क्या बोला है? Can you unmute yourself and speak? Sir, अब, am I audible? Yes, you are clearly audible, Suptika. cos 3x को cos 2x plus x और cos x plus cos 2x minus cos 2x है ना सर. So cos 2x cut हो जाएगा और cos x will be 0 और alpha. Wait, very good Suptika. मतलब आपने आपका कहना यह है कि ये बस आपका हो जाएगा cos x plus cos 2x और ये cos 2x minus cos 2x cut हो जाएगा, करेक्ट? यही ना? हाँ सर. अभी रुको मेरी बात, अब यहाँ पे गलती कहाँ हुई. कॉस के अंदर आपका अल्फा प्लस बीटा है, तो सिंस कॉस के अंदर आपका अल्फा प्लस बीटा है, आप कॉस को डायरेक्टली अंदर नहीं दे सकते. इसकी फॉर्मूला होती है कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, करेक्ट है? पता चला सुप्तिका, आया ना? मिस्टेक क्लियर हुई राइट. सो ग्रेट. सी द थिंग इज, अभी ये जितने आपके दिमाग में सारे चीजें आ रही हैं जो आप मुझे बोल रहे हो, अगर आप ये अभी ट्राई नहीं करोगे ये सारी चीजें आप एग्जाम में ट्राई करने वाले हो राइट. मजा आया ये सारी चीजें पढ़ के? और इतना सब ट्राई करने के बाद भी ऑलमोस्ट 5 स्टूडेंट्स 3-5 टू ऑलमोस्ट 7-10 आइडियाज एंड वी आर हैविंग नथिंग इन आवर हैंड. आया ना? चलो नेक्स्ट. अब समर्थ बेचारा पहले से एक मेथड बोल रहा है कि सर हम ऐसा करते हैं ऐसा करते हैं. यस समर्थ, आते हैं आपके मेथड पे. तो पहले से आपके मेथड पे इसलिए मैंने नहीं बोला कुछ क्योंकि उससे आंसर आ जाएगा. सो व्हाट समर्थ इज टेलिंग कि अगर cos 2x को हम इस तरफ ले जाएं, cos 3x minus cos 2x equal to 0, ये सब सोचने में आप एक फॉर्मूला भूल गए. दैट फॉर्मूला वॉज c माइनस सी. डू यू रिमेम्बर दिस फॉर्मूला सी माइनस सी? हाँ या ना? थोड़ा सोचो. सी माइनस सी आपका क्या होता है? माइनस टू एस एस. सो कॉस थ्री एक्स माइनस कॉस टू एक्स विल बी इक्वल टू माइनस टू साइन साइन माइनस टू एस एस. जहां पे ये अब आपका हो जाएगा 3x प्लस 2x बाई 2 और यहां हो जाएगा आपका 3x माइनस 2x बाई 2. नाउ माइनस 2 उस तरफ जाएगा तो वो जीरो ही हो जाएगा. साइन 3 प्लस 2 5x बाई 2 साइन 3x माइनस 2x साइन x बाई 2. साइन 5x बाई 2 इक्वल टू 0 साइन x बाई 2 इक्वल टू 0. एंड ये संडे आपकी M3 की JEE की एग्जाम होगी. इज इट क्लियर एवरीवन? राइट. ये संडे आपकी M3 की JEE की एग्जाम होगी. साइन पाई एक्स बाई टू इक्वल टू जीरो और साइन एक्स बाई टू इक्वल टू जीरो. क्या अब यहाँ से मैं फाइंड कर सकता हूँ? क्या यहाँ से फाइंड कर सकते हैं एवरीवन? हाँ या ना? चलो साइन फाइव एक्स बाई टू जीरो को अगर मैं अल्फा ले लूं, मैं आपको बताता हूं उसको लिखना कैसे. समझो पहले इसको कर देने दो. हाँ ठीक है सुप्तिका, संडे अगर आपका M3 का एग्जाम है तो सैटरडे एक डाउट सॉल्विंग सेशन रख देंगे M3 के लिए. ठीक है, बिकॉज M3 के लिए एग्री होना चाहिए. चलो जहां पे अल्फा आपका होता है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू. अब मुझे बताओ साइन जीरो कब होता है? टेल मी.
अल्फा के कौन सी वैल्यू पे साइन जीरो होता है? जीरो, वेरी गुड. चलो हु विल टेल मी हियर जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन एक्स, जनरल सॉल्यूशन. याशिका, व्हाट इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा? याद है ना लास्ट टाइम पूरा कराया था, एन पाई इवन है प्लस अल्फा, ऑड है माइनस अल्फा, तो एन पाई प्लस माइनस वन टू द पावर एन अल्फा. एन पाई प्लस माइनस वन टू द पावर एन अल्फा नहीं, एन पाई प्लस और माइनस अल्फा नहीं होता, एन पाई प्लस और माइनस अल्फा कहीं नहीं है, राइट? एन पाई प्लस माइनस वन टू द पावर एन अल्फा, वेयर एन बिलोंग्स टू आई. So here it is not x, it is exactly phi x by 2. So therefore phi x by 2 is equal to n pi plus minus 1 to the power n into alpha is 0. 0 into anything will be 0. So x will be equal to 2n pi by 5. N is integer. यहाँ पे देखते हैं. साइन एक्स बाई टू इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू साइन अल्फा, वेर योर अल्फा लाइंग बिटवीन माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू. अगेन अल्फा इज ऑल्सो जीरो. जनरल सॉल्यूशन, यहाँ पे आपके एल एच एस में एक्स बाई टू इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन टू द पावर एन अल्फा, एन बिलोंग्स टू आई, इज इक्वल टू एन पाई प्लस जीरो. So x is equal to 2n pi. तो हर 2n pi by 5 या 2n pi पे आपका given expression satisfy होगा. क्या ये चीज क्लियर है एवरीवन? हाय आना, राइट? ठीक है, अब देखो इसको जब आपको लिखना है तो आप किस तरीके से कर सकते हो. संपदा वेट वेट होगा, टीपी पे इसका बताता हूँ. पहले 3.4 खत्म करने दो. अब इसको जब भी आपको लिखना हो, अब इनमें से आपके दिमाग में जो जो मेथड आई थी, आपको आपके आसपास वाले आपके कलीग्स के दिमाग में जो मेथड आई है वो लिखने की जरूरत नहीं है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जब मैं आपको ये लिखने के लिए दूंगा, समझो, अगर आपके दिमाग में सिर्फ ये वाली मेथड आई थी तो आप ये वाली मेथड के बारे में लिख दो कि इससे आगे नहीं होने वाला, ये आया था तो हाँ इससे आगे ये नहीं होने वाला, इससे आगे ये नहीं होने वाला. इन सब में से जो जो आपकी मेथड जो आपके दिमाग में आया था उससे लिखो कि उसमें ये नहीं होने वाला. एंड अगर आपके दिमाग में कुछ नहीं आया था, बिल्कुल भी कुछ नहीं आया था, तो फिर आप डायरेक्ट यही लिख दो, इस तरीके से करना है. यहां तक क्लियर एवरीवन? हाँ या ना, राइट? दूसरा, इसके लिए अब तो हम एक चीज इसके लिए हम याद भी रख देंगे कि जब भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन होंगे जिनका हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है, cos 3x इज इक्वल टू cos 2x, हम बस उसे लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, सी माइनस सी एस माइनस एस, वो वाली जो भी फॉर्मूला लगती होगी वो लगा देंगे और आगे बढ़ेंगे. यहां तक क्लियर है, राइट? सो फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यूज दिस मेथड. और जेई के लिए एक शॉर्टकट भी है, और ये मेथड का एक दूसरा पार्ट भी है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ. जैसे एक दूसरी मेथड में आपको दिखाता हूँ इसी क्वेश्चन के लिए, cos 3x is equal to cos 2x के लिए. समझो, यू आर नोइंग दैट cos 3x is equal to, अगर या cos x is equal to cos alpha होता है तो वहां से हम उसका जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं. cos x is equal to cos alpha, वहां पे हम लिखते हैं x is equal to 2n pi plus or minus alpha, जहां पे अल्फा आपका होना चाहिए जीरो से पाई के बीच में. हाय अना, एवरीवन, प्लीज गिव मी सम रिस्पांस. वैसे ही चार स्टेप्स मैंने आपको अलाइड एंगल्स के लिए लिखाए थे, 180 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, इन सब के लिए कि थीटा अगर आपका जीरो से 90 के बीच में है तो आप ये अप्लाई कर सकते हो. बट वहां पे हमें एक और अमेजिंग चीज पता चली थी कि थीटा अगर सिर्फ आपका जीरो से पाई बाय टू के बीच में नहीं और कोई भी एंगल है तो भी आप उसमें वो अप्लाई कर सकते हो. हाय अना, हाय अना, ये याद है आपको, राइट? सेम थिंग्स अप्लाइड हियर एज वेल, सेम थिंग्स कैन बी अप्लाइड हियर एज वेल. जैसे यहाँ पे cos 3x है, यहाँ पे 2x है, 2x हमें पता नहीं है कि वो 0 और पाई के बीच में होगा कि नहीं. फॉर अ मोमेंट यू कैन कंसिडर दिस 2x एज अल्फा, यू कैन राइट जनरल सॉल्यूशन 3x एज 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा. अल्फा इज नथिंग बट योर 2x, 3x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस और माइनस 2x. अब आपके पास यहाँ पे दो केस होंगे, 3x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस 2x, 3x इज इक्वल टू 2n पाई माइनस 2x. ये 2x इधर आएगा 3 माइनस 2x, x इज इक्वल टू 2n पाई. ये माइनस 2x इधर आएगा, 5x इज इक्वल टू 2n पाई. तो x आपको मिल जाएगा 2n पाई बाय 5. बोलो, isn't it a shortcut? हाँ या ना?
and this shortcut is only for nine. Yes, this is only for G. कि अगर दो आपके सेम दिए गए cos 3x equal to cos 2x वहां पे आप ये डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो. फॉर बॉट्स यू नीड टू डू दिस मेथड. सो समझो एक ही क्वेश्चन है और आपको कितने सारे कंसेप्ट समझा के जा रहा है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? हाँ या ना? राइट, चलो तो फटाफट इसे नोट डाउन कर दो. अब इसमें से आपके दिमाग में जो भी मेथड आई थी वो वाली आप लिखेंगे. Let us see next question, question number 5. Find general solution of sin x plus sin 3x plus sin 5x equal to 0. ऊपर वाले question को देख के आप खुश हो ही रहे थे कि अब अगर आपको पास दो cos या दो sin दिए हैं तो आपको उनको solve करना आ गया है. तो ये question या module ने खुश होकर आपको तीसरा question दे दिया कि और ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है. अगर आपको दो trigonometric functions से खेलना आ गया है, then take this three trigonometric functions together. That is sin x प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x इक्वल टू 0. आपको ऐसे x की वैल्यूज फाइंड करनी है जिसके लिए ये पूरा इक्वेशन सेटिस्फाई हो. अब आप बोलो आपके दिमाग में कौन कौन सी मेथड आ रही है इसको सॉल्व करने के लिए, क्या किया जाए, व्हाट कैन बी डन. जैसे जैसे आप चैट बॉक्स में लिखोगे अनम्यूट करके बोलोगे वैसे वैसे मैं आपको कराता जाऊंगा. या आपके दिमाग में भी कुछ नहीं आ रहा है? साइन x प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x. अनगा, हर्षन, ओके. अनन्या इज टेकिंग टेक साइन कॉमन. मतलब साइन को मैं कॉमन ले लूं ऐसे तो ये आपका x प्लस 3x प्लस 5x ऐसा हो जाएगा. अनन्या आप ऐसा बोल रहे हो लाइक दिस. हाँ बट ये नहीं कर सकते राइट. ये वो सेम गलती हुई जो सुप्तिका कर रही थी ऊपर वाले क्वेश्चन में. इसका मतलब ये हुआ कि साइन के अंदर आपके पास अगर अल्फा बीटा गामा है तो आप डायरेक्टली साइन कॉमन ले सकते हो. नो, नॉट लाइक दैट. सिर्फ मैं दो की ही बात करूं, अगर सिर्फ दो एंगल है तो दो में भी पूरी फॉर्मूला लगती है, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा. हाय अना, अनन्या पता चला राइट. यस स्निग्धो, बट विच टू साइन? नाउ संपदा एंड स्निग्धो इज टेलिंग लेट अस अप्लाई एस प्लस एस इक्वल टू 2sc. लेट अस चेक, बट कौन से दो पे अप्लाई किया जाए? इन दोनों पे, इन दोनों पे या इन दोनों पे? ओके, लास्ट टू, फर्स्ट टू, ओके, एंड फर्स्ट एंड लास्ट. फ्यूजन्स आर टेलिंग फर्स्ट टू, फ्यूजन्स आर टेलिंग लास्ट टू, फ्यूजन्स आर टेलिंग फर्स्ट एंड लास्ट. सी समझो, यहाँ पे वही वाला कंसेप्ट है जो हम प्रीवियस एक्सरसाइज में करके गए थे. आप जिन भी दो पे अप्लाई कर रहे हो वहां पे सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास ऐसा आंसर आना चाहिए, ऐसा एंगल आना चाहिए जो बाजू में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया या जो दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया वहां पे अवेलेबल हो. एज फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये फर्स्ट टू ले रहे हो तो यहाँ पे आपका होगा साइन 3 + 4, 3 + 1, 4/2, 2x. आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? राइट, 3 + 1, 4/2, 2x यहाँ पे x आएगा और यहाँ पे 3 - 1, 2/2x ओनली. राइट, तो एक यहाँ पे आएगा साइन 2x, एक आएगा x. क्या इन दोनों में से कोई भी एक बगल में है? क्या कोई भी एक बगल में है? नो. सो टेकिंग फर्स्ट टू इज वेरी बैड आइडिया. इफ यू आर टेकिंग लास्ट टू राइट, देन 5 + 3 विल बी 8, 8/2 विल बी 4, 5 - 3 will be 2, 2/2 will be 1. क्या 4 और 1 में से कोई बगल में है? Tell me. 4 और 1 में से कोई बगल में है? Yes, है. So taking last 2 is good idea. Taking first and last, 5 + 1, 6/2, 5 - 1, 4/2, 3 and 2. 3 and 2 में से कोई बगल में है? 3 वाला बगल में है. So taking first and last is also good idea. Taking second and third is also good idea. But taking first 2, it is very bad idea. Hi Anna, everyone. नो प्रॉब्लम याशिका राइट, इसमें होता है. एंड डू इट एज अर्ली एज पॉसिबल. क्या ये चीज क्लियर हुई? राइट, यस. रेशमा, संप्रीता क्लियर हुई? इज संप्रीता देयर? संप्रीता आपका रिस्पांस बहुत कम हो गया है. संपदा, अथर्व क्लियर है? अथर्व आपका तो रिस्पांस आ ही नहीं रहा है, आप हो गए नहीं क्लास में पता ही नहीं चलता है. लोहित, प्रियांशु, जैन, चलो तो बोलो कोई भी दो को लेते हैं. राइट, लेट अस टेक लास्ट टू एज हियर. सो हियर साइन एक्स प्लस जिन भी दो की जोड़ी बनानी है उसमें बिगर वाला पहले रखो, साइन 5x प्लस साइन 3x इज इक्वल टू 0. देयरफॉर साइन एक्स एस प्लस एस विल बी 2sc
टू साइन कॉस, यहाँ पे हो जाएगा आपका फाइव एक्स प्लस थ्री एक्स, यहाँ हो जाएगा आपका फाइव एक्स माइनस थ्री एक्स। साइन एट एक्स बाई टू साइन फोर एक्स, कॉस टू एक्स बाई टू कॉस एक्स, बट अब देखो अब लास्ट टू में भी एक प्रॉब्लम हो गई ना, चेक एस प्लस एस एस टू एस सी, यहाँ पे साइन एक्स और यहाँ पे तो कॉस एक्स आ गया, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, आया ना, तो लास्ट टू वाला भी यहाँ पे बैड आइडिया हो जाएगा, राइट, लास्ट टू वाला भी आपका बैड आइडिया हो जाएगा सर। इसमें सर इसी में अगर हम साइन को उधर लेके जाके फिर डिवाइड करें तो टैन के टर्म्स में मिल जाए, कैसे, मतलब साइन को उधर ले जाके किससे डिवाइड करना है, कौन से वाले साइन को उधर ले जाना है, वो जो ये साइन एक्स जो इसी में ये इसी एक्सप्रेशन में, हाँ सर, लाइक उसको उधर पे लेके जाएंगे तो साइन फोर एक्स इन टू टेन एक्स इज इक्वल टू मिलेगा। लेट मी ट्राई, आपकी वॉइस थोड़ी ब्रेक हो रही थी, वो सिर्फ मेरे लिए ब्रेक हो रही थी कि सबके लिए ब्रेक हो रही थी, थोड़ा डिस्टर्बेंस था। ओके, सबके लिए माइनस टू साइन फोर एक्स कॉस एक्स, जितना मैं समझ पाया उसमें आप ऑलमोस्ट कुछ ऐसा बोल रहे हो कि एक उधर पहले ले जाएंगे, टेन लाना है तो मुझे कॉस से डिवाइड करना पड़ेगा, ये अगर साइन बाई कॉस कर देता हूँ तो टेन एक्स इक्वल टू माइनस टू साइन फोर एक्स समथिंग ऐसा आएगा, करेक्ट, यही कुछ बोल रहे थे आप स्निग्धो? हाँ, बट फिर आगे अगेन क्वेश्चन मार्क, राइट, क्योंकि एक तरफ टेन एक्स है और एक तरफ साइन फोर एक्स है, सो बेटर वी विल टेक फर्स्ट एंड लास्ट ओनली, सो हियर साइन फाइव एक्स प्लस साइन एक्स प्लस साइन थ्री एक्स इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ आपको एंगल नहीं देखने हैं, एंगल के साथ आपको ये भी देखना है कि वो एंगल साइन के साथ आ रहा है कि कॉस के साथ आ रहा है, हाँ या ना, पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म देखनी है, राइट। अब जैसे मान लो यहाँ पे मैं साइन फाइव एक्स प्लस साइन एक्स ले रहा हूँ, सो एस प्लस एस एस टू एस सी प्लस साइन थ्री एक्स, अब टू एस सी है, फाइव प्लस वन सिक्स बाई टू, फाइव माइनस वन फोर बाई टू, अब यहाँ पे हमें मिलेगा टू साइन थ्री एक्स कॉस टू एक्स, तो साइन थ्री एक्स और बगल में ही साइन थ्री एक्स है, देयर वी कैन टेक, सो वी विल टेक साइन थ्री एक्स कॉमन, दिस विल बी टू टाइम्स कॉस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो यहाँ आपको मिलेगा साइन थ्री एक्स इज इक्वल टू जीरो और टू टाइम्स कॉस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, सो कॉस टू एक्स इज इक्वल टू माइनस हाफ, फिर यहाँ पे इन दोनों का जनरल सॉल्यूशन आप फाइंड कर सकते हो एवरी वन, क्या जनरल सॉल्यूशन मैं आपको होमवर्क से दे सकता हूँ, क्योंकि ये तो अब आसान होगा, जस्ट यू नीड टू अप्लाई द फॉर्मूला, यू नीड टू फाइंड फर्स्ट अल्फा एंड यू नीड टू अप्लाई रिस्पेक्टिव जनरल सॉल्यूशन, लास्ट में अगर कंबाइन करना होगा तो वो वाला आपके लिए नया हो सकता है, उसमें आप थोड़ा ट्राई कर सकते हो, बट अगर जो जिसमें वो अलग होगा वो मैं आपको दिखाई दूंगा, ठीक है, तो ये चीज क्लियर हुई, तो ऐसे वाले क्वेश्चन में अभी तक आपको ये पता था कि जब दो कॉस आएंगे दो साइन आएंगे तो कैसे करना है वो आपको पता है, एक तरफ ले जाओ सी माइनस सी एस माइनस एस वो वाली फॉर्मूला अप्लाई करके, अगर तीन आ रहे हैं तो कोई भी दो की जोड़ी बनानी है, बट कौन से वाले दो की जोड़ी बनानी है उसमें आपको थोड़ा रफ में करके देखना है, जहां पे 2sc 2cs जो भी बन रहा है वो उसके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ बगल में होना चाहिए, पहले हम सिर्फ एंगल को देख रहे थे बट नॉट ओनली एंगल बट उसके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ बगल में होना चाहिए, क्या ये चीज क्लियर है स्टूडेंट्स, हाँ या ना, राइट, इसे नोट डाउन कर दो क्विकली, नाउ आफ्टर क्लियरिंग योर लेवल वन क्वेश्चंस लेट अस सी योर लेवल टू क्वेश्चंस नाउ, find the maximum and minimum value of 7 cos theta plus 24 sin theta. So this is your basically pura formula based question. Hi Anna, everyone. Maximum or minimum value wale questions maine aapko dikhaye the. 7 cos theta plus 24 sin theta. Not questions but exactly formula mein maine aapko bataya tha na. Kis tarike se hum find kar sakte hain. Jaldi jaldi bolo. 7 cos plus 24 sin. Hi Anna. Right. Kaise kiya ja sakta hai? Kisko yaad hai formula? आई थिंक बहुत कम, ओनली संपदा इज रेजिंग हैंड, बोलो संपदा, बट आपको वापस वो चैटबॉक्स में टाइप ही करना पड़ेगा, राइट, सो
दिस वॉज योर फॉर्मूला ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम, ए कॉस प्लस बी साइन, राइट, जिसका डेरिवेशन भी मैंने आपको दिखा दिया था, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वहां पे बस एक चीज आपको समझनी है कि कॉस एंड साइन दोनों का एंगल सेम होना चाहिए, राइट, कॉस एंड साइन दोनों का एंगल सेम होना चाहिए थीटा, कोई भी एक को आप ए ले सकते हो, कोई भी एक को बी ले सकते हो। सो हियर ए इक्वल टू 7 एंड बी इक्वल टू 24, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 7 कॉस थीटा प्लस 24 साइन थीटा will be equal to under root a square plus b square. Under root 7 square plus 24 square. अब ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपको याद ही है, ये अंडर रूट 25 स्क्वायर होता है, हाँ या ना? अंडर रूट 25 स्क्वायर इज 25 ओनली, क्योंकि स्क्वायर रूट है, देन वो पॉजिटिव ही आएगा. एंड सिमिलरली मिनिमम वैल्यू of 7 cos theta plus 24 sin theta minus under root 7 cos square or simply a square plus b square. It is minus under root 7 square plus 24 square. That will be minus 25. Asan hai students? Haan ya na? Bolo. Easy peasy, lemon peasy or not? ये आपके जूनियर्स तो अभी एक नया लाए हैं, दे आर टेलिंग इजी पीजी पिज्जा चीजी, पिज्जा बहुत पसंद है ना डोमिनोज। संप्रीता आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, संप्रीता आर यू देयर? हाँ सर। हाँ सब पता चल रहा है, तबीयत ठीक है ना, एवरीथिंग ऑल राइट? हाँ सर ठीक है। चलो लिखने का एक साथ टाइम देता हूँ, वो वाले क्वेश्चंस बड़े बड़े थे इसलिए एक एक क्वेश्चन के बाद टाइम दे रहा था, अभी जो जो क्वेश्चंस इजी हैं वो पहले खत्म कर देते हैं, दो तीन क्वेश्चन एक साथ हो जाएंगे फिर लिखने का टाइम देता हूँ। जैसे मिनिमम वैल्यू ऑफ कॉस एक्स दे आर आस्किंग, अब इसको थोड़ा समझो, थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है। जैसे ये आपका एक टाइप का कॉम्पोजिट फंक्शन है, कॉम्पोजिट फंक्शन मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन, कॉम्पोजिट फंक्शन को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं क्लास 12th में। कॉस ऑफ कॉस एक्स की मिनिमम वैल्यू पूछ रहे हैं, पहले आप मुझे ये बताओ कॉस एक्स कहां से कहां लाई करता है, राइट? अगर आप कॉस का इनपुट दे रहे हो कॉस एक्स, वी नो दैट कॉस एक्स विल लाई बिटवीन और ऑलवेज लाई बिटवीन -1 to 1, राइट, बिकॉज रेंज ऑफ कॉस एक्स इज -1 to 1, एम आई करेक्ट? हाँ या ना? अब ये कॉस एक्स आप इंसर्ट कर रहे हो कॉस के अंदर, समझ रहे हैं आप? वेरी गुड स्टूडेंट, शाबाश आफाक, यही सारी चीजें बाकी थी। इन्हीं सब आफाक, व्हाट इज गोइंग ऑन, आई नीड टू रिमूव यू। This is not good thing. चल तो अब आपको ये पता है स्टूडेंट्स कि जो आपका cos x है वो -1 से 1 के बीच में लाई करता है, हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। अब ये वाले cos का इनपुट आप दे रहे हो -1 और 1 के बीच में, समझना इधर, थोड़ा आपको ओपन माइंड से सोचना है। cos का इनपुट आप दे रहे हो -1 से 1 की सारी वैल्यू, वहां पे आपको cos का ग्राफ क्या मिलेगा वो सोचना है। कॉस का ग्राफ जनरली क्या होता है वो आपको पता है, कॉस का ग्राफ जनरली आपको पता है 0 से π के अंदर, हाँ या ना? कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, कॉस π की वैल्यू होती है 0, एम आई करेक्ट? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। कॉस 0 से π के बीच में आपको ऐसा मिलता है, राइट, π इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3.14, तो 1 तो आपका π के इस तरफ ही आएगा, हाँ या ना? एवरीवन यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री। ओके नाइस, चलो हाँ यस, वन मिस्टेक फ्रॉम माय साइड, यस समझ रहे हैं सर, कॉस π/2 जीरो होता है, एग्री, दिस इज π/2 एग्जैक्टली, π/2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी 3.14/2, दैट इज 1.57,
राइट, ये 1 है, ये 1.57 है, इस तरीके का होगा. प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन. हाँ या ना? 1.57. फिर यहां आपका इधर माइनस 5/2. ओके, माइनस 1.57. तो कॉस का ग्राफ माइनस 1 और 1 के बीच में समथिंग ऐसा मिलेगा. हाँ या ना? अरे यहाँ पे जो हमारा ग्राफ है वो लिमिट हो जाएगा ये माइनस 1 से ये 1 के अंदर. सो दिस विल बी ग्राफ ऑफ कॉस एक्स. एम आई करेक्ट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. राइट, जहां पे अब आपको क्या पूछा गया है, व्हाट दे आर आस्किंग, दे आर आस्किंग यू मिनिमम वैल्यू ऑफ कॉस एक्स. कॉस ऑफ कॉस एक्स की मिनिमम वैल्यू ये होगी, टेल मी, एंड मैक्सिमम वैल्यू ये होगी. हाँ या ना? राइट, कॉस 0 इज 1, मैक्सिमम वैल्यू विल बी 1. हाँ या ना? मिनिमम वैल्यू क्या होगी जब ये कॉस के अंदर आप इनपुट रख रहे हो, आइदर 1 या माइनस 1. कॉस के अंदर जब इनपुट 1 रख रहे हो तो कॉस 1 विल बी मिनिमम वैल्यू एंड दैट विल बी सेम वैल्यू ऑफ कॉस ऑफ माइनस 1. एंड आपको पता है कि कॉस के अंदर जब आप माइनस रखते हो तो गायब हो जाता है. फ्रेंड्स क्या पता चल रहा है एवरीवन, जो मैं आपको बोल रहा हूँ ये पता चल रहा है? राइट, थोड़ा आपको ओपन माइंडली इसको समझना है. राइट, थोड़ा ग्लोबली समझना है. सो कॉस ऑफ कॉस एक्स, यहाँ मैक्सिमम वैल्यू 1, ये ग्राफ की मैक्सिमम वैल्यू 1, ये ग्राफ की मिनिमम वैल्यू कॉस ऑफ 1 और कॉस ऑफ माइनस 1. सो मिनिमम वैल्यू ऑफ ग्राफ इज कॉस ऑफ 1. सी, पता चला? अब आसान है क्वेश्चन नंबर 7. पूरा ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, आपको ये आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे ग्राफ कैसे प्लॉट करना है. राइट, एंड दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग, हम ऐसे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे ग्राफ देखने वाले हैं. लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. फिर मैं आपको ये लिखने का टाइम देता हूँ एक साथ, एंड मीनवाइल आई विल टेक योर अटेंडेंस. कैन यू सी दिस क्वेश्चन 8 ऑन स्क्रीन? इफ द इक्वेशन tan थीटा प्लस tan 2 थीटा. यस सुक्तिका इज आस्किंग सर एनीथिंग cos और sin माइनस 1 विल बी 1. नहीं सुक्तिका, आई थिंक आपका क्वेश्चन ये है, यू आर आस्किंग लाइक दिस कि साइन के अंदर माइनस 1 होगा तो वो साइन 1 हो जाएगा, आप ऐसा पूछ रहे हो कि उसका आंसर 1 आएगा, ये पूछ रहे हो. सुप्तिका यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन क्लियर योर क्वेश्चन फर्स्ट. साइन 1 ना, तो ये हम पढ़ चुके हैं सुप्तिका, जब भी अंदर बीच में माइनस साइन होती है तो सिर्फ कॉस और सेक ये आपके हैरी पॉटर है या डॉक्टर स्ट्रेंज है, जिसके अंदर वो माइनस होता है तो वो गायब करके उसको जादू करके गायब कर देते हैं. कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स हो जाता है, सेक माइनस एक्स सेक एक्स हो जाता है. बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उन सब में वो माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये माइनस साइन 1 हो जाएगा. साइन ऑफ माइनस 1 विल बी माइनस साइन 1, टेन ऑफ माइनस 1 विल बी माइनस टेन 1. वहां हमने एक्स के लिए पढ़ा था, यहाँ पे सारी चीज हम 1 के लिए अप्लाई कर रहे हैं. If the equation tan theta plus tan 2 theta plus tan theta into tan 2 theta equal to 1, then theta equal to. अब जब आप sin cos में खेल खेल के उसमें प्रो हो गए, now this exercise is telling you, play this question. Tan theta plus tan 2 theta plus tan theta into tan 2 theta is equal to 1. यहाँ पे सोचो क्या कर सकते हैं, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, tell me. सिर्फ कोई एक ही टेन होगा तो हम उसको आराम से फाइंड कर सकते हैं, बट यहाँ पे तो टेन का पूरा एक ग्रुप सर्कल आया हुआ है जिसमें टेन थीटा टेन टू थीटा पहले प्लस में है फिर मल्टीप्लिकेशन में. यहाँ पे आपको एक पैटर्न समझनी पड़ेगी स्टूडेंट्स, अगर आप इसे ध्यान से देखो, कैन आई से लाइक दिस, टेन टू थीटा प्लस टेन थीटा, मतलब टू थीटा को पहले लिख रहा हूँ, इसको उस तरफ भेजता हूँ, थीटा को भी आप पहले लिख सकते हो, नॉट एन इश्यू. 1 माइनस टेन थीटा इंटू टेन टू थीटा, क्या ऐसा लिख सकता हूँ? हाँ या ना? क्या ये कोई पैटर्न दिख रही है? 1 माइनस टेन थीटा टेन टू थीटा, वही टेन थीटा प्लस टेन टू थीटा, ऐसा कहीं देखा देखा लग रहा है. ठीक है जैन, एक एक करके पहले ये स्टेप तो क्लियर हुआ ना, टेन थीटा टेन टू थीटा उड़ जाएगा तो माइनस होगा. यस संप्रीता, तो हम ये वाली टर्म को अगर लेफ्ट हैंड साइड पे भेजेंगे
अब उसको डिवीजन में भेजते हैं. सो कैन आई से लाइक दिस, टेन थीटा प्लस टेन टू थीटा अपॉन वन माइनस टेन थीटा इंटू टेन टू थीटा इज इक्वल टू वन. जब आप यहाँ पे डिवाइड करोगे तो वो ऐसा हो जाएगा. क्या ये चीज क्लियर है स्टूडेंट्स? हाँ या ना, प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. यहां तक ये क्लियर हुआ पहले? ओके चलो. नाउ अब ये कौन सी फॉर्मूला है? अब तो सबको पता चल जाना चाहिए. दिस इज नथिंग बट योर फॉर्मूला ऑफ ए प्लस बी, टेन थीटा प्लस टू थीटा इज इक्वल टू वन, टेन थ्री थीटा इज इक्वल टू वन. अब आपको इसको सॉल्व करना है, राइट? थीटा फाइंड करना है. सो इसको आपको लेना पड़ेगा टेन अल्फा, where your alpha is lying between open interval minus pi by 2 to pi by 2, and such alpha where tan is 1 is pi by 4 only. So here you can apply general solution. Your general solution will be 3 theta is equal to n pi plus alpha. Tan ke liye hota hai n pi plus alpha, whether n aapka even hai ki odd hai. So 3 theta will be equal to n pi plus pi by 4. Where n belongs to z or integer. अब हम थीटा को सब्जेक्ट बना देते हैं. सो थीटा विल बी इक्वल टू एन पाई बाई थ्री प्लस पाई बाई ट्वेल्व. क्या ये चीज क्लियर है स्टूडेंट्स? हा या ना, बोलो. आसान है? क्वेश्चन नंबर 8, जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ठीक है, पहले लिख दो एग्री, फिर 9, 10, 11 और 3 क्वेश्चन है, बट पहले इतना लिख दो. लेट अस सी योर लास्ट थ्री क्वेश्चंस, 9, 10, 11. क्वेश्चन नंबर 9, the number of solutions for the equation sin 2x plus cos 4x is equal to 2. चलो यहाँ पे थोड़ा और एडवांस आपको यहाँ पे सोचना है. अभी तक आपको ये था कि दो cos दो sin साथ में होंगे, आप s plus s, s minus s, c plus c, c minus c अप्लाई कर सकते हो. बट वॉट अबाउट एक sin है और दूसरा cos है? अगर आपके पास है sin 2x plus cos 4x is equal to 2, अब हम आगे क्या कर सकते हैं? That we are not knowing. हाँ या ना, प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. क्यों? क्योंकि क्या आपके पास एस प्लस सी की फॉर्मूला है? डू यू हैव एनी फॉर्मूला ऑफ एस प्लस सी? यस और नो? नो, नॉट एट ऑल, राइट? ज्यादा से ज्यादा आप इसमें एक काम कर सकते हो, कॉस 4x को 2 टाइम्स 2x लिख सकते हो, एंड यहाँ पे कॉस 2 थीटा से इसको साइन में कन्वर्ट कर सकते हो, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x. फिर आगे लेफ्ट हैंड साइड पे ऑलरेडी ये आपका हो जाएगा साइन 2x प्लस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 2. सब उधर ले जाओ, 2 साइन स्क्वायर 2x माइनस साइन 2x प्लस 2 माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू 0. अब यहाँ पे आप स्प्लिटिंग द मिडल टर्म अप्लाई कर सकते हो विवेक, क्योंकि इधर भी आपका साइन 2x है, इधर भी आपका साइन 2x है. 2 वन्स आर 2, 2 के ऐसे फैक्टर निकालो कि प्लस करके आए 1, बट क्या डायरेक्ट आएंगे? हाँ या ना, नॉट पॉसिबल एट ऑल. So you need to find again discriminant, b square minus 4 is c minus 1 square 1, minus 4 a is your 2, c is your 1, 1 minus 4 2 is 8, 1 minus 8 is minus 7, discriminant negative hai, toh kya real roots possible hai? Right? So no roots possible. Since no real roots possible, the number of solution for the equations are zero. क्या ये पता चला students? हाँ या ना, क्योंकि आपको number of solution पूछे हैं, कितने solution मिल रहे हैं वो, right? So this is your one of the method जिसमें हम cos को convert कर रहे हैं इस तरीके से 1 minus 2 sin square x में. एक और method है sin 2x plus cos 4x is equal to 2. मुझे ये बताओ sin की minimum और maximum value क्या होती है? ये आपका साइन 2x है, इसकी मिनिमम वैल्यू माइनस 1 और मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, हाँ या ना, अंदर एंगल कोई भी हो. कॉस 4x है, उसके भी मिनिमम वैल्यू माइनस 1 और मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी. प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. इन दोनों का सम आपका 2 कब हो सकता है? जब इन दोनों की मैक्सिमम वैल्यू हो, तभी ये 2 हो सकता है. 1 प्लस 1 ओनली कैन बी 2, हाँ या ना. सो हियर
साइन 2x शुड बी इक्वल टू 1 एंड कॉस 4x शुड बी इक्वल टू 1, दोनों के दोनों 1 होने चाहिए, एम आई करेक्ट, तभी आपका 2 होगा। चलो साइन 2x इज इक्वल टू 1, साइन आपका 1 होता है पाई बाई 2 पे, एम आई करेक्ट, साइन पाई बाई 2 इज 1, तो 2x आपको मिलेगा पर्टिकुलरली एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर एन पाई बाई 2, और x आपको मिलेगा एन पाई बाई 2 प्लस माइनस 1 टू द पावर एन पाई बाई 4। एंड अभी तक के सारे क्वेश्चन में आपके बीच में यहाँ पे और आता था, डू यू रिमेम्बर, यहाँ पे आ रहा है एंड, मतलब दोनों होना चाहिए, ये 1 हुआ साइन 2x, 1 हुआ cos 1 नहीं हो रहा है तो भी 2 नहीं होगा, दोनों के दोनों होने चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एंड मतलब आपको इंटरसेक्शन लेना है, इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन याद है राइट, एम टू के टीपीपी वाले। सो हियर cos 4x ये आपका होता है 0 पे, 4x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस और माइनस 0, सो x इज इक्वल टू 2n पाई बाई 4, देयरफॉर x इज इक्वल टू n पाई बाई 2। अब x आपका n पाई बाई 2 होगा, ये आपका होगा n पाई बाई 2 प्लस माइनस 1 टू द पावर n पाई बाई 4। अब समझो ये चीज को समझो, n पाई बाई 2 एंड n पाई बाई 2 प्लस माइनस 1 टू द पावर n पाई बाई 4, इन दोनों में कॉमन क्या निकलेगा समझना, हर बार ये आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगा, प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। अगर आपको नहीं पता चल रहा आप एक काम करो, दोनों में n की वैल्यू पहले 1 रखो, तो यहाँ पे आपको मिलेगा ये पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4 आया ना, और इधर आपको मिलेगा सिर्फ पाई बाई 2, एन की वैल्यू 2 रखो, ये आपको मिलेगा 2 कैंसल पाई प्लस पाई बाई 4 राइट, बिकॉज ये माइनस 1 टू द पावर यहाँ पे माइनस आएगा एक्जेक्टली, यहाँ पे आपको मिलेगा ओनली पाई, एन इक्वल टू 3 रखो, दिस विल बी योर 3 पाई बाई 2 प्लस माइनस 1 टू द पावर 3 दैट इज माइनस पाई बाई 4, ऑड के लिए वो माइनस हो जाएगा, दिस इज योर 3 पाई बाई 2 ओनली, एन की वैल्यू 4 रखो, 4 पाई बाई 2 2 पाई प्लस पाई बाई 4, और यहाँ आपका हो जाएगा ओनली 2 पाई। ये चार ऑप्शन में कहीं पे भी आपको कुछ कोई भी चीज सेम दिख रही है, टेल मी, LHS और RHS, मतलब नॉट LHS और RHS बट ये वाला सॉल्यूशन और ये वाला सॉल्यूशन कोई भी एक जगह पे भी सेम हो रहे हैं? नेवर नेवर एवर, हाँ या ना, प्लीज गिव मी सम रिस्पांस, क्योंकि ये आपको सॉल्यूशन मिलेगा दिस वैल्यूज उसके साथ प्लस और माइनस समथिंग, हर बार प्लस पाई बाई 4 या माइनस पाई बाई 4 जुड़ा ही रहेगा, और यहाँ पे तो सिर्फ आपकी यही वैल्यूज हैं, आप ना ही प्लस जा रहे हो ना ही माइनस जा रहे हो, हाँ या ना, एवरीवन प्लीज गिव मी सम रिस्पांस राइट। सो इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन कुछ नहीं मिलेगा, सो नो सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन, पता चल रहा है एवरीवन राइट, क्योंकि आपका इंटरसेक्शन कुछ नहीं मिलेगा, इंटरसेक्शन विल बी 5 ओके, क्या ये क्लियर है? इजंट इट नाइस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 राइट। Now let me show you question number 10. Can you see this question number 10 on screen, everyone? You need to find value of 1 plus cos pi by 8, 1 plus cos 3 pi by 8, 1 plus cos 5 pi by 8, 1 plus cos 7 pi by 8. चलो किस तरीके से किया जाए सोचो, इसको देख के आपके दिमाग में क्या चल रहा है? सी प्लस सी, सी प्लस सी के लिए सी प्लस सी अलग भी तो होना चाहिए, ये तो 1 प्लस सी है, आया ना राइट, सी प्लस सी के लिए तो दोनों सी अलग भी होने चाहिए, ये तो 1 प्लस सी है। कुछ और सोचो, थोड़ा सोचो। यस मेकिंग पेयर्स एग्री अनन्या, हाँ, और ध्रुव स्टेलिंग सर हम इसको कॉस पाई बाई 2 ले सकते हैं, एग्री, इसको आप नहीं, कॉस पाई बाई 2 जीरो होता है, कॉस 0 1 होता है, तो इसको आप 0 ले सकते हो, फिर कॉस 0 प्लस कॉस पाई बाई 2 से सी प्लस सी लगाओ, बट उससे कोई फायदा होगा थिंक,
क्योंकि वो बस एक बार आपको मिलेगा, जीरो प्लस पाई बाई एट बाई टू, जीरो माइनस पाई बाई एट बाई टू, कुछ ऐसा करना है जिससे सिंप्लीफिकेशन हो, राइट। सी ऐसे वाले क्वेश्चन में आपके डिनोमिनेटर को ऑब्जर्व करो, आपका डिनोमिनेटर एट है, हाँ या ना, राइट। यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर एट है, सारी टर्म को ऑब्जर्व करो। अनन्या आपने बोला मेकिंग पेयर्स, यस सुप्तिका आप भी बोल रहे हो पेयर्स, बट किसकी पेयर किसके साथ वो आप सोचो और वो मुझे बताओ। जैसे ये आपका 1 पाई बाई 8 है, ये 3 पाई बाई 8 है, ये 5 पाई बाई 8 है, ये 7 पाई बाई 8 है, ठीक है। रोशनी स्टेलिंग फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट एंड लास्ट, ओके सेम सुप्तिका सेम अनन्या, ओके। आप सब लोग एक साथ तो नहीं बैठे हो कि सबका सेम आ रहा है, पाई बाई 8 प्लस 7 पाई बाई 8, सो 1 पाई बाई 8 प्लस 7 पाई बाई 8, इट विल बी योर 8 पाई बाई 8, वहां पे पाई हो सकता है, और जब डिवाइड बाई 2 होगा एस्पेशली, बट 2 नहीं, बस मैं ये बता रहा हूँ। यहाँ पे कॉस 3 पाई बाई 8, कॉस 5 पाई बाई 8, हाँ, इधर भी आपका 5 प्लस 3 वो आपका 8 पाई बाई 8 हो रहा है, मतलब पाई हो रहा है, यहाँ पे भी आपका पाई हो रहा है, यहाँ पे भी पाई हो रहा है। फिर और क्या कर सकते हैं, आगे पैर बना ली, साथ में रख लिया, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, उनका डिफरेंस पहले और लास्ट का डिफरेंस अलग है, 7 माइनस 1 6 है, यहाँ 5 माइनस 3 2 है, राइट। चलो प्रोडक्ट तो हम कर नहीं सकते, वन प्लस कॉस पाई बाई 8 के साथ मैंने 1 प्लस कॉस 7 पाई बाई 8 लिख दिया, और 1 प्लस कॉस 3 पाई बाई 8 के साथ मैंने 1 प्लस कॉस 5 पाई बाई 8 लिख दिया। अब क्या, वॉट नेक्स्ट, समझो इसी कंसेप्ट का यूज करते हैं कि इन दोनों एंगल का सम पाई हो रहा है, इन दोनों एंगल का सम पाई हो रहा है, तो जो कॉस 7 पाई बाई 8 है, समझना, जो कॉस 7 पाई बाई 8 है, क्या मैं उसे पाई माइनस पाई बाई 8 लिख सकता हूँ, या अगर डायरेक्टली पता नहीं चल रहा है तो जो 7 पाई है उसे मैं 8 पाई माइनस पाई लिख सकता हूँ, प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, राइट। क्योंकि 8 पाई माइनस पाई, पाई वाले टर्म यहाँ पे सेम, यहाँ पे 1 प्लस कॉस 3 पाई बाई 8, तो यहाँ पे जो आपका 5 पाई बाई 8 है उसे मैं 8 पाई माइनस 3 पाई बाई 8 लिख सकता हूँ, एवरी वन, हाँ या ना, तो दिस विल बी योर 1 प्लस कॉस 5 बाई 8, पाई माइनस पाई बाई 8 कॉस पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा मीन्स माइनस कॉस थीटा, ये माइनस कॉस पाई बाई 8 हो जाएगा, आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरी वन, हाँ या ना, राइट, बिकॉज ये पाई माइनस पाई बाई 8 हो जाएगा ना अल्टीमेटली, एवरी वन, एक स्टेप कम लिख रहा हूँ, 1 प्लस कॉस 3 पाई बाई 8, ये भी कॉस पाई माइनस थीटा, 1 माइनस कॉस 3 पाई बाई 8, चलो ए प्लस बी ए माइनस बी, इट विल बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर पाई बाई 8, सेम यहाँ पे ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8, 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई बाई 8, 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8। अब आगे क्या किया जाए, एक बार आपको मिला है साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8, एक बार आपको मिला है साइन स्क्वायर पाई बाई 8, जो आपको आंसर्स दिए गए हैं वो कांस्टेंट आंसर दिए गए हैं, बोलो बोलो, सोचो आगे और क्या किया जाए, समझो यहाँ पे साइन स्क्वायर 2x साइन स्क्वायर 3x, नहीं साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर 3x, बट उसकी कोई फॉर्मूला हमारे पास, सोचो, ठीक है, मान लो मैं स्क्वायर कॉमन निकालता हूँ, साइन 3 पाई बाई 8 साइन पाई बाई 8 होल स्क्वायर, इसकी कोई फॉर्मूला है हमारे पास, दो साइन का प्रोडक्ट हो, एक और हिंट देता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करता हूँ, क्या इसकी कोई फॉर्मूला है हमारे पास, 2SS समथिंग माइनस सी प्लस सी और नॉट, हाँ या ना, राइट, माइनस कॉस प्लस कॉस, थैंक यू विवेक, माइनस कॉस प्लस कॉस, अब स्क्वायर में दोनों को दे देता हूँ, तो इट विल बी 1 बाई 4, 2SS विल बी माइनस कॉस प्लस कॉस होल स्क्वायर, एक तरफ दोनों का सम 3 पाई बाई 8 प्लस पाई बाई 8, एक तरफ दोनों का डिफरेंस 3 पाई बाई 8 माइनस पाई बाई 8, सो 3 प्लस 1 4 पाई बाई 8, दैट विल बी योर पाई बाई 2 ओनली, 3 माइनस पाई 2 पाई बाई 8
cos 2 pi by 8 will be cos pi by 4. Cos pi by 4 is 1 upon root 2 and cos pi by 2 is 0. 0 plus 1 upon root 2 whole square. 1 by 4 bahar hai, 1 upon root 2 ka square half, which is 1 by 8. Pata chala everyone, asan hai. You can tell me yes if you agree. Asan hai ki nahi? Hai ya na? 1 by 8. जस्ट किस तरीके से आपने जोड़ी बनाई और कैसे सिंप्लीफाई किया, दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट ओवर हियर, राइट। चलो लेट अस सी योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस इन क्लास एक्सरसाइज। टीपीपी अगर आपके देखे जाए तो M3 के टीपीपी अच्छे खासे दिए गए होंगे आपको। टीपीपी में आपके ऑलमोस्ट 100 जितने क्वेश्चन हैं, 80 चार टीपी भी दिए गए होंगे। एक बार मैं विष्णु सर से पूछ लेता हूं आपका MT1 कब होने वाला है, राइट। उस हिसाब से हम थोड़ा M1 वाला करें क्योंकि आपके टीपीपी भी अच्छे खासे हैं। ठीक है, आप बोलो ये वाले क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं। द वैल्यू ऑफ कॉस 12 डिग्री प्लस कॉस 84 डिग्री प्लस कॉस 156 डिग्री प्लस कॉस 132 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ओके संप्रदाय सेलिंग। कैसे कॉम्प्लीमेंट्री, कौन कौन से, 84 और 12 पहले क्वाड्रेंट, कॉस 156 कॉस 132, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे 156 आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, 132 सेकंड क्वाड्रेंट में, फिर क्या 132 के साथ किसकी जोड़ी बनेगी। अगर आप ये 132 लिख रहे हो, 132 आप 90 में क्या ऐड करोगे तो 132 आएगा 42, या फिर 180 माइनस बोलो कितना करोगे, 48 आई गेस, राइट, क्योंकि 180 माइनस 50 विल बी 130। 180 माइनस 42 है, 90 प्लस 42 होगा, 90 प्लस 42 है 180 माइनस 48। फिर 156 को आप सेम ऐसा ही लिखोगे, 180 माइनस 24 एंड और 90 प्लस 66, करेक्ट है, हाँ या ना। इन दोनों में से कौन सा यूज करना है वो फिर आपको सोचना है। जैसे यहाँ पे आपका हो जाएगा 90 प्लस 42 180 माइनस 48, ये आपका 84 है, ये 12 है। जो आपको ऑप्शंस दिए गए वो ऑप्शंस को ऑब्जर्व करो, आपको जो आंसर लिखना है वो 18 डिग्री और 36 डिग्री में लिखना है, हाँ या ना एवरीवन, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो किस तरीके से आप 18 या 36 ला सकते हो आपको उसके ऊपर सोचना है। कॉस 12 को आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा अगर कॉम्प्लीमेंट्री यूज कर रहे हो तो 90 माइनस 12 अगर आप करोगे साइन में तो वो 78 में जाएगा, एम आई करेक्ट, हाँ या ना। फिर 78 को 18 या 36 में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं कॉम्प्लिकेटेड, ये 90 वाला यूज करते हो तो यहाँ पे 6 पे कर सकते हो, 6 78 24 66 42 48, ओके इट इज कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है अभी मेरे दिमाग में भी नहीं आ रहा है, टाइम भी हो गया है, तो इसको नेक्स्ट क्लास में ही रखते हैं, इसमें थोड़े ज्यादा ट्रायल एरर जाएंगे।